और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेव, जो कि मैंने आलू डालकर बनाए हैं। इसको हम गाठिया भी बोलते हैं। तो बनाने के लिए इसको जिस सामग्री की ज़रूरत होगी तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बेसन, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हींग, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसको मिक्स कर लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 150 ग्राम सरसों का तेल और हाथों से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। हाथों से इसको रगड़ते हुए मिक्स करें ताकि इसमें कोई रोड़ी ना रहे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर लिए 1/2 किलो आलू उबले हुए और उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन में आलू को मिक्स करके हमने एक ये डो बना लिया है। इसमें बिल्कुल भी अभी हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, तो इस तरह से आप इसको पहले तैयार कर लें। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट आटे की तरह कर लेंगे, जिस तरीके से आटा लगाते हैं उस तरीके से इसको कर लें। अब डो हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगाकर इसको रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और 10 मिनट का इसको रेस्ट करने देंगे। अब मेरे पास है ये सेव बनाने की मशीन। इसको हम पहले सरसों के तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर हमारा इस पर चिपके ना। थोड़ा सा इसकी जाली पे भी लगा देंगे। बैटर हमारा तैयार है और हम मशीन में लगाएंगे पहले जाली इस तरीके से। अब डो को इसमें डालना शुरू करेंगे। ऊपर से मशीन इसकी बंद कर देंगे। और इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सरसों के तेल को हम गर्म होने रख देंगे। तेल अच्छे से हमारा गर्म होने लगा है। अब हमने मशीन में जो बैटर भर के रखा था उससे सेव तोड़ना शुरू करेंगे ऊपर से घुमाते हुए। हाथ को भी बढ़ाते रहेंगे आगे को। और जैसे ही तेल के ऊपर आने लगेंगे सेव, इसको हम तुरंत पलट देंगे। और चाकू या चम्मच की सहायता से इसको खोलना शुरू करेंगे। इस तरीके से ये सब अलग हो जाएंगे और अब इसको पलट पलट के हम सेक लेंगे। सेव का कलर चेंज होने लगा है, हमने इसको पलट के सेक लिए थे। अब इसको चेक करेंगे। अगर सेव हमारा एकदम टूटेगा तो ये सिक चुका है इस तरीके से, और अगर ये थोड़ा मुड़ता तो अभी से नहीं सिका हुआ होता। तो ये हमारे सिक चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। सेव सिकते समय बस यही ध्यान रखना है हमें कि तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो तभी हम इसको डालें। अगर आप कम गर्म तेल में डालेंगे तो ये तेल को पी लेंगे और खाने में जो कि टेस्टी भी नहीं लगेंगे और ना ही करारे होंगे। तो इसको अब हम निकाल लेंगे अच्छे से निचोड़ने के बाद। सेव हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बना ली है इसको। बस हमें बनाते समय यही ध्यान रखना है कि इसको हम सरसों के तेल में बनाएं। सरसों के तेल में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे रिफाइंड की अपेक्षा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएँ मुझे कि आपको ये कैसे लगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।